जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के दौरान कोविड के मजीद 151 नए मामले आए सामने। ट्यूमर के एक मरीज की हुई मौत। जम्मू और श्रीनगर में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले। डोडा में मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों की तैयारियों का लिया गया जायजा। पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 151 नए मामले सामने आए हैं। इससे आपको बता दें, इस अरसे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत भी हुई है और महकमे सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले जम्मू और श्रीनगर जिले में हैं। कोविड की रोकथाम के पेश नजर सभी अजला में महकमे सेहत अलर्ट मोड में है। जिला अस्पताल में लेकर एसडीएच पीएससी और सीएचसी पर तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके तहत डोडा जिले में भी तिब्बी अमले ने मॉक ड्रिल किया गया। भदरवा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के मुताबिक भदरवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए 22 बेड का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, जिस मरीज की मौत हुई उसका ताल्लुक डोडा से ही है और ये मरीज ट्यूमर से मुतासिर था। जांच के दौरान जीएमसी डोडा में भी 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। हमारे पास यहाँ पर भदरवा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनिंग है। हमारे पास 22 बेडेड फुली कंप्लीट वार्ड तैयार है उसके लिए। तीसरी बात, हमने आईएलआई ओपीडी बनाई हुई है सेपरेटली। हमने उसके लिए मेडिकल ऑफिसर रखा हुआ है। आईएलआई सिम्टम्स को रिलेटेड लेकर हम उनको सैम्पलिंग भी कर रहे हैं और हमारे कुछ दिनों से सैम्पलिंग नीचे चल रही है। दूसरी बात, पंचायतों में हर जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लस ऑक्सीमीटर, जितने भी पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन हैं, हर जगह अवेलेबल है सारी चीज़ें। अपनी तरफ से मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को ये बताना चाहता हूँ, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सके उतना कोविड SOPs फॉलो करें। जितना हो सके जहाँ पर जाए पब्लिक गैदरिंग में जितना हो सके कम जाए। हैंड हाइजीनिंग का खास ध्यान रखें। मास्क पहन लीजिए। जितना हो सके अपने आप का एहतियात कर लीजिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जगह से पूरी तैयार हैं।